नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल गीता रसोई में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में पेरेंट्स हम ये बताएंगे कि जो प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे को जन्म दिया जाता है तो माँ का जो दूध होता है, माँ के स्तन में तो वो दूध कम आता है, तो अब उसको उसकी हम सप्लाई बढ़ाने के लिए, उसको दूध को बढ़ाने के लिए आज हम आपको एक घरेलू तरीका बताएंगे जिससे माँ के स्तन में दूध खूब आएगा और आपका बच्चे का पूरा पेट भरेगा। माँ अपने बच्चे को जन्म देती है और दूध की माँ की जरूरत पड़ती है, तो क्या होता है कि दूध कम आता है, तो क्या होता है कि जो माँ होती है तो धीरे धीरे करके जब बच्चे को दूध नहीं निकलता है तो धीरे धीरे करके वो दूध को छुड़ा देती हैं कि हमारे दूध नहीं निकल रहा है। अगर हम बच्चे को उस तरीके से भी दूध पिलाएंगे, और एक ऐसी हमारा घरेलू नुस्खा है उसको बोलते हैं पिपरी। पिपरी सभी लोग जानते होंगे, तो वो मार्केट में मिलती है, तो वो पेरेंट्स पंसारी की दुकान में आपको मिल जाएगी, तो उसको लेना है। और उसको क्या करना है कि दूध जब माँ को दिया जाता है तो उसी दूध में एक पिपरी को पीस करके दो दिन तीन दिन के बाद उसको एक गिलास दूध, और सुबह डालकर एक गिलास में एक पिपरी को पीस करके, और शाम को भी यानी तीन दिन का वो गैप कर दें, तीन दिन के बाद दें, तो इसको पीने से दूध में मिला करके इसको पीने से बहुत ही दूध माँ के बढ़ता है, और इसका जो बच्चों का बराबर जो दूध है, दूध की सप्लाई बराबर बढ़ती रहती है। माँ को क्या करना है कि जो दूध है दूध में पिपरी मिला करके पीस करके पीना है, और तीन दिन के जैसे आज पी है तो तीन दिन के बाद फिर आपको एक गिलास दूध में एक पिपरी डाल करके पीना है। बच्चे की माँ को क्या करना है कि एक पिपरी लेना है, उसको पीसना है, पीस करके एक गिलास में दूध लेना है, वो दूध हल्का सा कुनकुना दूध हो, दूध कुनकुने दूध में एक पिपरी को डाल करके और चम्मच से उसको बराबर मिला लें, मिला करके पी लें। वो आपको करना क्या है, करना कब है, सुबह भी पीना है और शाम को भी पीना है। एक पिपरी आप पीस करके सुबह दूध में डालें और एक पिपरी पीस करके आप शाम के दूध में लें, तो ऐसा करने से बच्चे की माँ का जो दूध है स्तन का वो बढ़ेगा, और बच्चे का जो पेट है भरपूर मात्रा में सही से माँ के स्तन में दूध आएगा और बच्चा बराबर पिएगा। बच्चे का जो पेट है वो माँ के ही इस दूध से बच्चे का पेट छका रहेगा। जो हमने आपको पिपरी वाला ये नुस्खा, घरेलू नुस्खा बताया हुआ है, इसको बच्चे के जन्म के बाद से ही आपको, जब आप घर में आ जाते हैं तभी से आपको ये सुबह और शाम पीना है। इसके बाद तीन दिन में फिर आपको सुबह शाम ऐसे बना करके और मिला करके दूध पीना है। ये भी एक घरेलू नुस्खा है कि ये भी जो पाउडर है तो ये भी माँ के स्तनों में दूध बढ़ाने का बहुत ही अच्छा काम करता है। ये पेरेंट्स डॉक्टर के द्वारा लिखा जाता है, और ये हमारी बहू के लिए इसको डॉक्टर ने लिखा हुआ है। आप भी अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और पूछ लें डॉक्टर से इसको कैसे लेना है आपको, कि ये पाउडर है तो इसको उसी तरीके से जैसे एक गिलास, ये हमारी बहू के लिए लिखा था, तो इसको भी गर्म दूध में, एक गिलास गर्म दूध में एक ये स्पून है तो एक स्पून ये पाउडर डाल करके और चम्मच से इसको हिला करके मिला करके आपको सुबह शाम पीना है, और इसको रोज पीना है आपको। इस पाउडर को पेरेंट्स आपको सुबह शाम एक एक चम्मच दूध में लेकर के पीना है, और इसको रोज पीना है आपको। एक दिन का भी गैप नहीं होना चाहिए, इसको बराबर रोज लेते रहिए। ऐसा करने से पेरेंट्स जो कि हमने आपको जैसा बताया हुआ है तो माँ के दूध की मात्रा बढ़ जाएगी और आपके बच्चे का पेट बराबर भरता रहेगा। जो हमने आपको पेरेंट्स दोनों चीजें बताई हुई है, तो इसको जैसे जैसे आप पीती रहेंगी रेगुलर, तो उसी तरीके से आपके स्तन के दूध की मात्रा जो है उसी तरीके से बढ़ती रहेगी। जो हमने आपको पेरेंट्स घरेलू नुस्खा बताया हुआ है वो तो आप बराबर करिए जैसा हमने बताया हुआ है, और जो ये पाउडर है तो इसको आप अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के आप इसको करिए। पेरेंट्स माँ का जो दूध है वो बच्चों के लिए बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक दूध है। उसको माँ के दूध को पिलाने से बच्चे को कभी बीमारी एक तो नहीं होती है, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ रहता है, और उसको बीमारी बहुत ही कम पकड़ती है। अब बीमारी से बच्चा दूर रहता है, और ये हम लोग सोचते हैं कि माँ के स्तन में दूध कम आ रहा है या माँ सोचती हैं, तो उसको बच्चे को धीरे 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 कर करके उसको दूध को छुड़ा देती हैं, तो प्लीज़ ऐसा ना करें। उसको दूध जैसे कम आ रहा है तो दूध को बढ़ाने के लिए जो हमने घरेलू नुस्खा बताया हुआ है और ये अपने डॉक्टर से सलाह लेकर के
इसको आप जरूर करें तो आपका दूध आना जो कम हो रहा है तो दूध आपको भारी मात्रा में आपके स्तनों में आएगा और आपका बच्चा स्वस्थ और बिना बीमारी के अच्छा रहेगा। ऐसे ही हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों से जुड़ी हुई अच्छी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक जरूर से जरूर कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।